Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के 48 घंटे पहले हरियाणा की कुछ खास सीटों को लेकर चौंकाने वाले सर्वे सामने आए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला भी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग है और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। वोटिंग से पहले दैनिक भास्कर ने एक पोलिंग सर्वे किया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां और एक्सपर्ट से बातचीत की गई है। भास्कर के मुताबिक पोलिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस के 40 से 50 और बीजेपी के 22 से 32 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। बीजेपी के सीटों का आंकड़ा बहुत हद तक इस बात पर भी डिपेंड रहेगा कि साइलेंट वोटर आखिरी समय में किस तरफ जाता है और जाट दलित वोट बढ़ते हैं या फिर नहीं। अब अगर बात कर लें कि कौन कितनी सीटों पर मजबूत है तो जो दैनिक भास्कर के अनुसार से डेटा जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर मजबूत है, बीजेपी 22 से 32 सीटों पर, इनेलो बीएसपी 1 से 5 सीटों पर, निर्दलीय 4 से 9 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 1 सीटों पर और जेजेपी एएसपी 1 सीट पर। यह भी बात है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे। राज्य की दो मुख्य पार्टियां की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर के बीच अपने ऑर्गेनाइज्ड और ताबड़तोड़ प्रचार के दम पर बीते 2 हफ्तों में ग्राउंड पर बहुत कुछ इंप्रूव किया है। 2014 में बीजेपी को 47 में से 21 सीटें और 2019 में 40 में से 22 सीटें जीडी रोड बेल्ट से ही आई थी और इस बार इस पर इसी लोकेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सभाएं की। इसके अलावा इसी के जरिए इस इलाके को पकड़ने की कोशिश भी की गई है। बीजेपी ने कुल मिलाकर 150 रैलियां की हैं जिसमें मोदी और शाह 14 रैलियों में शामिल हुए हैं, मतलब 14 रैली में मोदी शाह रहे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है हरियाणा में, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में ग्राफ में तेजी से गिरावट भी देखने को मिली। मेवात की 3 सीटों पर कांग्रेस सेफ दिख रही है, बांगर की 9 सीटों पर जो जाट लैंड सीटें कहलाती है और देशावल की 14 सीटों पर कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन कई उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला काफी टाइट है, मतलब कह सकते हैं आप कि कांटे की टक्कर। अगर रैलियों की बात करें तो कांग्रेस ने सिर्फ 70 रैलियां की हैं, बीजेपी के कंपेरिजन में बहुत कम है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 6 रैलियां हुई और 2 रोड शो भी हुए हैं, बस इतनी ही दोनों की रैलियों के बीच में अगर देखें तो 70 और 150 रैलियां। वोटरों को लुभाने के लिए किस पार्टी ने क्या वादे किए हैं इसके बाद भी आपको बताएंगे। वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और किस पार्टी ने क्या वादे किए इसमें मुख्य पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की बात सामने आती है। कांग्रेस ने महिलाओं को जहां 2000 प्रति माह और 500 में सिलेंडर देने का वादा किया है तो बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। कांग्रेस कहती है कि बुढ़ापा और विधवा इसके अलावा दिव्यांग पेंशन 6000 रुपए देंगे तो बीजेपी युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा की है। कांग्रेस कहती है कि कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे तो बीजेपी कहती है कि हर घर गृहिणी योजना से 500 में सिलेंडर मिलेगा। युवाओं को 2 लाख नौकरी का वादा कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी कहती है किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे। यहीं पर कांग्रेस ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो यहीं बीजेपी कहती है कि चिरायु योजना के तहत 10 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा। यहीं पर कांग्रेस कहती है कि 25 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा तो बीजेपी कहती है सरकारी अस्पताल में डायलिसिस भी फ्री। अब कांग्रेस कहती है कि गरीबों को 100 गज के प्लॉट भी देंगे तो फिर बीजेपी कहती है कि हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी। वहीं कांग्रेस का भी वादा है कि किसानों को मुआवजा और एमएसपी की गारंटी हमारे तरफ से पक्की है। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाजवादी पार्टी, गठबंधन
और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, आजाद समाज पार्टी ESP के बीच में गठबंधन है और आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मतलब इंडियन नेशनल लोकदल की भी बात करें और बहुजन समाजवादी पार्टी, दोनों के बीच में गठबंधन है और जाट समुदाय की नाराजगी को भुनाने और दलित समुदाय के एक हिस्से को अपने पक्ष में लाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं जेजेपी को 2019 में जो मिली थी वो 10 सीटें मिली थी और 15% वोट शेयर ही उन्होंने निकाल पाए थे, क्योंकि जाट समुदाय पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन से नाराज थी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी राज्य के राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से किसी के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुई तो अकेले उतर गए। दिल्ली मॉडल के आधार पर आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने भीतर से विद्रोही उम्मीदवारों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो कि लगभग 20 सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। मतलब जो कांग्रेस से उतरे उन्हें बीजेपी ने उतारा और जो बीजेपी से टिकट नहीं मिला उन्हें कांग्रेस ने उतारा। हरियाणा चुनाव में जो भी नारे गढ़े गए और नारे लगाए गए, यहां जाट और दलित वोटरों की अनदेखी मुमकिन नहीं हो सकती है। 1966 में राज्य के गठन के बाद से ही हरियाणा में कुल 33 मुख्यमंत्री जाट समुदाय से ही बनते हैं। महज 4 मौके ऐसे आए हैं जब दूसरे समुदाय के लोगों को राज्य के सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि CM पद पर बैठने का मौका मिल सका है। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, इनमें से कम 36 सीटों पर जाट वोटरों की ही हनक देखी गई है और पिछले अगर देखें तो इसमें 80 सीट पर 60 पर हनक रहती ही है। विशेषज्ञों की अगर माने तो यहां पर 26-28% वोटर जाट समुदाय के हैं, लेकिन इस बार देखना यह होगा कि जाट समुदाय की वजह से या फिर जीत की वजह जाट समुदाय बनते हैं तो किस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस या फिर बीजेपी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।